नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएमजी मीडिया यूट्यूब चैनल में और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्मीकांत पारिख स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं वारिवो इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। तो चलिए बाइक को देखते हैं और उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो जैसा कि दोस्तों ये है वारिवो इलेक्ट्रिक बाइक, यह इसे स्कूटी भी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको हेडलाइट दिया हुआ है और ये जो हैंडल होता है ये सिर्फ इस तरह से होता है, इसका और इसका दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। छोटे टायर हैं और ये ट्यूबलेस टायर होते हैं और आगे दो ग्लास लगे हुए हैं जो कि हमें पीछे देखने में और आसानी रहती है। यहाँ पर होती है इसकी डिग्गी और पीछे ब्रेक लाइट्स और इंडिकेटर दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ आता है इसका चाबी का स्विच जहाँ से हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से ही हम इसकी सीट को खोलने का काम भी कर सकते हैं जो कि चाबी के द्वारा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। ऑन होने पर हमें जो फीचर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ आता है इसका बैटरी का इंडिकेटर। यहाँ पर ये चलने के लिए कंप्लीट तैयार है। यहाँ पर आपको ये लाइट फ्लैश होती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ जो ये डिस्प्ले चल रही है ये कंप्लीट डिस्प्ले चल रही है। और इसमें यहाँ पर जो इंडिकेटर दे रहा है ये स्पीड का इंडिकेटर दे रखा है और यहाँ पर किलोमीटर की रफ्तार जो बताता है वो इंडिकेटर दे रखा है। यहाँ पर जो आर बटन है ग्रीन कलर में, ये होता है रिवर्स करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर, ये इंडिकेटर चालू ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि आपको बीप सुनाई दे रही है। और यहाँ पर ये जिस तरफ का इंडिकेटर चलाना है उसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये हॉर्न का ऑप्शन भी दे रखा है और ये लाइट पास और आउट करने के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये बटन दे रखे हैं, 1, 2, 3 का ऑप्शन दे रखा है रेड कलर में। तो हम जैसे ही इसको 1 से 2 करते हैं तो इसकी स्पीड और यहाँ पर डिस्प्ले पर ये गियर चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर ये तीसरा करते हैं तो यहाँ पर ये तीसरा गियर हो जाता है और चौथा गियर होता है वो रिवर्स का होता है। इस तरह से इसके चारों गियर होते हैं और यहाँ पर ये जो हमें सेटिंग का जो ऑप्शन दे रखा है ये हमें इसको रिफ्रेस करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। और ये लाइट का ऑप्शन है कम ज़्यादा आगे पीछे करने के लिए। और यहाँ पर ये दोनों साइडों में हॉर्न का ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए यहाँ भी हॉर्न है और यहाँ भी हॉर्न है। और ये यहाँ पर ये दोनों ब्रेक हैं और ये इसका रेस का ऑप्शन है, ठीक है। और यहीं से हम ये जो आपको डिक्की दिखाई दे रही है जो कि बड़े पैमाने पे होती है, इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पर हमें इसी चाबी से एक लॉक सिस्टम दे रखा है जिससे हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ से ये इसको ये किया और यहाँ पर ये डिक्की खुल गई है और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इसका इतनी बड़ी स्पेस में डिक्की है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी एमसीबी दे रखी है जिससे अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक गिर जाती है, हम इसको वापस ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका सेनेटल्ला नाम से कंपनी का एक चार्जर दे रखा है जो इसकी बैटरी को चार्ज करने के काम आ जाता है। इसका जो वायर दे रखा है वो भी हमें वायर काफ़ी लंबा दे रखा है, ये लगभग 1.5 मीटर का वायर होता है जिसे हम आसानी से गाड़ी को कहीं भी खड़ी करके चार्जिंग कर सकते हैं। और इसके साथ में इसको ठंडा करने के लिए एक एयर कूलर फैन दे रखा है। और ये जो इसका स्पेसिफिकेशन है ये 54 वाट आउटपुट वोल्टेज देता है। और ये इसकी नंबर प्लेट भी इसके साथ में देते हैं जो कि अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और स्पेशल बात ये बता दूं कि इसमें बैटरी है
जो कि लगभग 48 या रबर का करंट देती है। ये जो इसके पीछे वाला जो टायर दे रखा है, ये हब मोटर वाला टायर दे रखा है, जो कि बढ़िया स्पीड देता है और चलने में भी बड़ी आसानी रहती है और हवा की तरह चलता है। और यहाँ पर इसका नेक्सा एक्स का लोगो दे रखा है और सीट कवर पर वारिवो दे रखा है। यहाँ पर जो आपको ये दो स्पेस के लिए दे रखे है, यहाँ पर मोबाइल या अदर कोई भी छोटी बड़ी चीज़ें होती है वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइडों में दे रखा है और यहाँ पर कोई कैरी बैग वगैरह लगाना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है। ये बाइक को चार्ज करने का पोर्ट है, लुकिंग में भी जबरदस्त आती है ये बाइक। 3 घंटे इसको चार्जिंग करने में लगते हैं और ये 70 किलोमीटर एक चार्जिंग पर चल जाती है। तो जैसा कि दोस्तों हमने वारिवो कंपनी का एक स्कूटी का पहले भी हमने वो वीडियो डाल रखा है, अगर वो आप वीडियो आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इस स्कूटी के ओनर से मिलाना चाहता हूँ, विष्णु कुमार जी खटिक से, जो कि इस बाइक को लाए हैं और इनको शायद महीना भर हो गया है इनको लाए हुए, तो ये हमें बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक को लेने के बाद में। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो डेली मैं 40 किलोमीटर आराम से चलाता हूँ, 20 जाता हूँ 20 आता हूँ, डेली के 40 किलोमीटर हाईवे पे चलाता हूँ, तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है। हाईवे पे बहुत स्लिम चलती है, बहुत कोई पोल्यूशन नहीं करती है, आराम से नॉर्मल चलती है। 3 की स्पीड पे स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ। तो जैसा कि हमने बाइक देखी है, बाइक बहुत शानदार लगती है। मुझे आप ये बताइए कि ये बाइक चलाते हुए कोई वाइब्रेशन वगैरह कोई दिक्कत वगैरह का कोई मसला तो नहीं रहता है? कोई मसला नहीं, हवा की तरह चलती है। अच्छा, तो स्पीड आप नॉर्मली 70 के एवरेज स्पीड में कभी बाइक को चलाया है आपने? हाँ, 2 बार चलाया। कैसे, बढ़िया चलती है? बढ़िया। तो एवरेज कितना देती है? अगर ज़्यादा हाई स्पीड चलाएंगे तो एवरेज कम देगी, नॉर्मल 20 की स्पीड से आराम से आपको 70 किलोमीटर का एवरेज पड़ जाएगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट गियर है, तो फर्स्ट गियर में कितना किलोमीटर चलती है? 70 किलोमीटर एक बार। और कितनी स्पीड में चलती है? फर्स्ट गियर में 20 की स्पीड 20। और उसके बाद में सेकंड में 40 का, और तीसरे गियर में 70 के स्पीड में चल जाती है। यानी कि कुल मिला के 70 की स्पीड इसकी लास्ट स्पीड है ना? बिल्कुल। तो ये आपको कितने में पड़ी सर? ये हमको पड़ी सर 75,000। 75,000 में ये वारिवो कंपनी की बाइक इनको पड़ी है। जैसे कि हमने काफ़ी सुना है वारिवो कंपनी की बाइक सबसे ज़बरदस्त आती है, तो हमारे मार्केट में ज़्यादातर ये बाइक आने लगी है, तो आपको क्या लगता है आगे भविष्य इनका अच्छा होगा? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि अभी देखो बारिश के सीजन में मैं 2 बार गया था, तो बारिश में पूरा भीग गया था, तो अभी बारिश में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कंफर्टेबल बाइक है बारिश में। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि अपने को सिक्योरिटी प्रदान, जैसे कि अभी स्टार्ट कर दी है, नॉर्मल ऐसे रिस्क खींचेंगे तो गाड़ी नहीं भागी। अच्छा। क्योंकि ये स्टैंड लगी हुई है। अच्छा। जैसे ही हम ये स्टैंड हटाएंगे और रेस देंगे तो गाड़ी भागने लगी। अच्छा, तो इसका बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टैंड लगेगी तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकोगे। ये फायदा भी है इसमें कि अगर स्टैंड लग रही है तो गाड़ी ऑटोमेटिक आगे नहीं चलती, अगर कोई गलती से बच्चा वगैरह भी चला दे तो स्टैंड हटाओगे तो बिल्कुल गाड़ी चलेगी। जी जी, तो अब मैं गाड़ी को आपको चला के दिखवा देते हैं कैसे चलती है और क्या मुझे कैसा लगता है वो सब बताते हैं। दोस्तों मुझे मज़ा आ गया इस बाइक को चलाकर, इतनी ज़बरदस्त और इतनी शानदार गाड़ी चलती है कि आपको भी मज़ा आ जाएगा।
जैसे कि ना तो इसमें कोई भी आवाज आती है, यूं चलता है जैसे बस ऐसे ही चल रहे हों, यूं हवा में उड़ते हों, जैसे इसकी आवाज और इसकी चलने की जो स्पीड होती है जबरदस्त गजब। मेरे हिसाब से नंबर वन है ये वारिवो कंपनी की बाइक, आपको भी ये लेना चाहिए। ये जो आप ब्रेक, ये जो दोनों साइडों में आप देख रहे हैं ये ब्रेक होते हैं, फर्स्ट में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये दोनों ब्रेक यहाँ आते हैं तो हम जब भी रोकें तो इन ब्रेकों से ही रोक सकते हैं, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें वरना गिरने की संभावना रहती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पहले जो हमने वारिवो कंपनी संबंधित वीडियो डाले थे वो भी अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।